जब आप डील करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के साथ में, तो उस केस में हमें मिलता है कार्बन रेजिस्टर्स। ये कुछ इस तरह से दिखता है। और जब हम स्मॉल गैजेट्स को ओपन करते हैं, जैसे आपका टेलीविजन या फिर स्टेपलाइजर्स, उसमें अलग इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस जो आप घर पे यूज करते हो, वहां पे जनरली कार्बन रेसिस्टेंस यूज होता है। तो ये कार्बन रेसिस्टेंस की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो क्या आप देखते हैं, हमारे पास एक टेबल है, ये कार्बन रेसिस्टेंस का टेबल है। और मैं बाद में एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक के हिसाब से आप टेबल को याद रख सकते हो। ये टेबल पे आप देख रहे हो, सबसे पहला ब्लैक, देन ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, इस तरह के कलर पैटर्न्स ऑर्डरिंग है। लास्ट में गोल्ड एंड सिल्वर। साथ ही आप देख रहे हो डिजिट्स, ये डिजिट्स जैसे ब्लैक के लिए 0, ग्रीन ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, येलो के लिए 4, इस तरह से इनकी वैल्यूज गिवन है। एंड सेकेंड कॉलम में आप देख रहे हो मल्टीप्लायर्स, जैसे ब्लैक का मल्टीप्लायर 10^0, ब्राउन 10^1, रेड 10^2, सिमिलरली वायलेट 10^7, इस तरह के ये मल्टीप्लायर्स वैल्यू को दिया गया है। और आप थर्ड कॉलम पे देखोगे ये टॉलरेंस है। टॉलरेंस दैट मीन्स टॉलरेंस सिर्फ एग्जिस्ट करता है कुछ कलर्स में, जैसे गोल्ड पे 5%, सिल्वर पे 10%, ग्रीन पे 0.5% और नो कलर पे 20%। तो ये रेजिस्टेंस जो हम यूज करते हैं अप्लायंस पे, ये रेजिस्टेंस को हम किस अप्लायंस के सर्किट पे किस हिसाब से यूज करेंगे, वहां पे उनकी क्वांटिटी क्या होगी, इसके लिए हमें जानना होगा कि वो रेसिस्टर कितना रेसिस्टेंस को कैरी करता है या कितना रेसिस्टेंस को टॉलरेट कर सकता है, उसका रेजिस्टेंस की जो कैपेबिलिटी है वो किन वैल्यू के बीच में एग्जिस्ट करती है। ये मान लेते हैं हमारे पास एक कार्बन रेजिस्टर है। इस कार्बन रेजिस्टर का जो पैटर्न है, ये फर्स्ट हमें ब्राउन कलर मिल रहा, देन ब्लैक, देन रेड, एंड फोर्थ वन इज जो टॉलरेंस है ये गोल्ड है। इस रेसिस्टर का जो वैल्यू है, इसे फाइंड आउट करेंगे हम टेबल के वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो उस टेबल को हम किस तरह से याद कर सकते हैं, उसे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक पैटर्न, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाई, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। अब चलिए कार्बन रेजिस्टर को कैलकुलेट करते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारे पास जो रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर पे कलर कोडिंग का जो पैटर्न है, ये फर्स्ट ब्राउन, सेकंड ब्लैक, थर्ड रेड, एंड लास्ट वन इज गोल्ड। सो फर्स्ट टू कलर ये हमें शो करता है डिजिट। तो फर्स्ट कलर वी हैव ब्राउन, That's so one according to here. Second color is black, that is 0. Third color is red. Red हमें जो third pattern है ये हमें बताएगा multiply. And third color here is red, that means 2. And fourth is the tolerance which have gold. हमारे पास गोल्ड का टॉलरेंस है 5%। सो फर्स्ट टू डिजिट आ मल्टीप्लायर, इसे सिंपली आप कंबाइन करो ब्राउन एंड ब्लैक। सेकेंड कलर इज मल्टीप्लायर, दैट मीन्स रेड, हियर वी विल मल्टीप्लाई 10^2। एंड थर्ड इज फर्स्ट टू कलर वी नॉर्मली एड, यहां पे 1 एंड 0 है तो हम नॉर्मली लिखेंगे
वन एंड जीरो। थर्ड बैंड इज इंडिकेट फॉर मल्टीप्लायर, तो थर्ड बैंड पे हमारे वैल्यू टू है, तो यहां पे हम लिखेंगे 10^2। फोर्थ कलर इज फॉर गोल्ड, दैट मीन्स हम यहां लिखेंगे फोर्थ कलर हमारे पास गोल्ड है जिसका वैल्यू 5%। अब ये जो 5% है, दिस 5% इज टॉलरेंस वैल्यू, दैट मीन्स यहां पे ये हमारे पास जो वैल्यू है, दैट मीन्स इस वैल्यू को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलेगा 1000। तो 1000 का ये 5% कितना होगा, दैट मीन्स 50। सो ये जो 50 ओम है, ये 50 ओम ये टॉलरेंस वैल्यू, इसका मतलब ये है कि 1000 से माइनस 50 और 1000 से प्लस 50 के रेजिस्टेंस वैल्यू पे हमारा ये गिवन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस टॉलरेट कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। चलिए लेते हैं और एक एग्जांपल। फर्स्ट कलर हेयर ग्रीन, ग्रीन हैव 5। सेकेंड इज ब्लू, ब्लू कलर हैव 6। थर्ड कलर इज ऑरेंज, दैट इज 3। एंड फोर्थ कलर इज गोल्ड, दैट मीन्स 5% टॉलरेंस। फर्स्ट टू कलर विल नॉर्मली एड, थर्ड कलर इज मल्टीप्लायर 10^3, एंड दिस वन इज टॉलरेंस, टॉलरेंस इज 5%। सो हमारे पास 56,000 इस पे 5% का जो टॉलरेंस होगा ये होगा, सो 5, सो हमारे पास 2800, दैट इज टॉलरेंस, दैट मीन्स आगे हमारा जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा वो 53200, दैट इज 53,200 से 58,800 के बीच हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू ये एग्जिस्ट कर सकता है, दैट मीन्स इस रेसिस्टर का जो टॉलरेंस पावर होगा वो 5000, वो 53,200 से 58,800 तक एग्जिस्ट कर सकता है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।